कोठी से चिपकना पड़ता है, दोस्तों से दूर रहना पड़ता है, मोबाइल से दूर रहना पड़ता है, आदत पे खाना खाना पड़ता है, समाज से जिसने दूर हो जावे अगली बार तुम्हारा नाम ऊपर होगा कि इसने टॉप कर दिया। इतनी चीजें कर लो बस, बिल्कुल अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों चीजें हैं जो बिल्कुल फ्री की सीट है। फ्री की सीट हमारी सब खाली रह जाती है, आपका एडमिशन होता है और आप कम से 1 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। नीट के लिए आपको 12 की जरूरत है, IIT के लिए 12 की जरूरत है, एक बायो स्ट्रीम है और एक कुछ और पूछना चाह रहे हो, कुछ पूछो। IAS इधर आओ ना थोड़ा सा पास। आपका नाम क्या है? इनका ध्यान से कैमरे पे लो। शफकत भाई इधर आइए, इधर आइए। शफकत भाई कुछ कह रहे हैं आपको, एक सवाल तो था IAS के वो MBBS कैसे बनते हैं, तो मैं आज आपको दोनों चीजें बना के जा रहा हूँ। पहले आप MBBS करोगे, फ्री केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12 करोगे, कौन से नंबर से? 98-99% से। जिस दिन आपने 12 कर लिया तो आप समझ लेना कि हम MBBS पर सेलेक्ट अगले साल या इसी साल हो जाएंगे। वही लोग सेलेक्ट होते हैं 12 के साथ जिनके नंबर लगभग 100% होते हैं। मेरे कई दोस्तों के बच्चे सेलेक्ट हुए। जैसे आप MBBS करके निपटोगे बैचलर डिग्री, तैसे आप क्या करोगे IAS के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो एक अगर आपकी माँ का सपना ड्रीम हो आपको डॉक्टर बनाने का, बाप चाहता है IAS बने, तो दोनों काम कर सकते हो, पहले डॉक्टर बन सकते हो फिर IAS बन सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। IAS बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन, चाहे BA हो, MBBS हो, बैटरी साइंस हो, कोई भी, तो आपको कौन सा वाला करना है? BA तो सभी है, तो फिर IAS क्यों बनते? टॉप यूनिवर्सिटी टॉप, एक अकेला कि मैं ही हूं, मैं सबसे भारी हूं, वो वाला काम नहीं करोगे तो नहीं करोगे। ऐसे काम तुम्हारे के अंदर आग फूकनी, आग लग जानी चाहिए। आज के बाद किताबों के में चिपक जाऊंगा, मुझे देख के किताबें डरने लगेंगी। भाई आज किताबें इधर उधर छुप जाओ, ये तो किताब को छोड़ दे, चार के डालो उनको। जब मैं 10th में पढ़ता था मुझे पेज नंबर क्वेश्चन याद होता था, उसका आंसर याद होता था, बस सब कुछ याद, कहीं से कुछ पूछो सब याद था। तो उस समय क्या फायदा हुआ, जबलपुर में जब गया मैं मैथ पढ़ने लगा, पूरा जबलपुर मुझे पहचानने लगा। तो मौलाना साहब का लड़का नसीर था, उसने कहा जब हमें अबू उर्दू पढ़ाते थे तो मैं बड़ा खराब लगता था। बोले जब मैं इटली में गया उमर भाई वो MBA करने, तो वहां पर मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब लोग थे, पैसे नहीं थे, तो वो एक बुक है जिसका तर्जुमा करना था, ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, मैंने ले लिया और वो सारा 2 साल की डिग्री का 3 साल का सारा खर्चा उसी से निकल गया। इसके लिए जो चीज भी आज आपको उर्दू अचीव कर रहे हो उसका आपको फायदा मिलेगा। हमेशा आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया एसेंस में इंग्लिश बोलिए, आपका फ्लो होना चाहिए। आपका जैसे सब लोग सिविलाइज हो, अच्छे बच्चे हैं, सब कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं जो 99% वाले हैं, 10th में जिनके 99% आए हो, हाथ उठा के बताइए। 98% किसी का 10th में आया हो, 97% आया हो, 90 से ऊपर कौन, कितने बच्चे हैं? तो कोई मकसद ही नहीं है कोई कंपटीशन में जाने का, फिर आप समझ लो कि यहीं से हमने बंद कर दिया। अगर 10th में 90% आ गए तो कम समय में ही बंद हो गए। डॉक्टर ओझा डॉक्टर साहब के बैचमेट है, आपसे सीधे डॉक्टर साहब, उनके पहले बच्चे के 97 थे MBBS कर लिया, दूसरे के 98 आए MBBS कर लिया, पहली श्रेणी है 10th में 95-97%, तो यही से नींव खराब होगी। क्यों? जब तुम 11th में जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। पढ़ने में इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे जब आप पढ़ोगे, और पढ़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं। एक ने कहा कि मोहब्बत कैसे पैदा होती है, मैं और 2-1 मिनट देख लेना एक्चुअली, तो ना कंक्लूड कर दूंगा, मेरा तो हो गया। मोहब्बत कैसे पैदा होती है? कुछ को फिजिक्स अच्छी लगती है, कुछ को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, कुछ को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, ऐसा होता नहीं होता है। जब छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ के संपर्क में रहता है, माँ के साथ रहता है, तो उसे अपनी माँ से मोहब्बत हो जाती है। अगर माँ उसकी काली हो, थोड़ी सी अच्छी सूरत की ना हो, और उस बच्चे से ये कहो कि तेरी माँ को रिप्लेस कर दे, बदल के अच्छी सीमा दे दे, खूबसूरत सीमा ला दे, तो वो चाहेगा ऐसा? क्यों? इसलिए नहीं, उसकी माँ है इसलिए कि माँ के साथ रहा, माँ का असर आ गया, साथ रहने से मोहब्बत पैदा हो गई। ठीक उसी तरीके से जब किताबों से चिपक जाओगे, बार बार किताबों को पलट के देखोगे, किताबों से मोहब्बत हो जाएगी। जब बुक से दूर हो जाओगे तो आपको मोहब्बत पैदा होगी। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है आपके, जो भी टॉपिक समझ में आता है बार बार पढ़ो। जैसे फिर एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी का घर पूछने जाते हो गाँव में, तो पहली बार किसी का घर पूछते हो तो कई बार कई जगह पूछना पड़ेगा, दोबारा कम जगह पूछना पड़ेगा, और दोबारा उस घर में अपने आप पहुंच जाओगे, ऐसा होगा नहीं? जब बुक को पहली बार पढ़ोगे समझ में नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ोगे आ गई समझ में आ गई, दोबारा पढ़ोगे और समझ में आ गई, और चौथी बार पढ़ने की जब समझने की जरूरत नहीं।
पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक वो समझ में ना आए। मैं जब सिक्स में गया तो गांव से पढ़ के गया था, नाइन्थ में आया तो साइन कॉस टेन थीटा आ गया, बड़ी मुश्किल लगे साइन कॉस थीटा के मुख्तार सर हमारे पढ़ाते थे। मैं सर ये तो समझ रहा हूँ, समझने की जरूरत नहीं है, ये पांच क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, पांच बार करके लाना, नकल मारना। मैंने नकल मारनी शुरू कर दी, मैं टॉपर बन गया मैथमेटिक्स का। उन्होंने कहा बस पांच कर, वो याद हो गए समझ माने लगे। दुनिया में कोई भी चीज बहुत चीज मुश्किल है जिस पर आपने काम नहीं किया, अगर डर गए तो मर गए। आपको हर एक चीज का, चूंकि जिंदगी आसान नहीं है, आसान है बहुत लोगों के लिए। आप लोमड़ी बनना चाहते हो, शेर बनना चाहते हो? शेर बनना चाहोगे? लोमड़ी एक जंगल में बैठी थी, लंगड़ी लोमड़ी थी, लूली लोमड़ी थी, उसे चलन जा रहा था और अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मुझे कुछ खाने को दे दो, खाने को दे दो, खाओ। और तूने वादा किया कि खाने को देंगे। एक शेर आया, उसने शिकार करी और खाके उसके आगे डाल दिया, लोमड़ी ने खा लिया। गैर से आवाज आई, ये लोमड़ी तू शेर क्यों नहीं बनना चाहती, तू लोमड़ी क्यों बनना चाहती है? तो तुम क्यों नहीं शेर बनना चाहते कि लोगों को, दूसरों को रोजी रोटी दो? कुरान में कहीं नहीं फरमाया था ने कि जकात लो? मैं ज्यादा कुरान को जाता ना लेकिन एक मोटिवेशन पे, उन्होंने कुरान में कई जगह जिक्र आया जकात दो, जकात दो, जकात दो, इसलिए कि तुम कमाओ, तुम हलाल रोजी कमाओ, इस लायक बनो कि लोगों को जकात दो। इम्फेसाइज़ किया इसी बात पे, जो है कुरान पूरे हदीस को, कुरान को जब पढ़ोगे, जहां तक आप लोग तो ज्यादा पढ़ चुके हैं, कि जकात देने का जिक्र क्यों आया? हलाल रोजी करो, पैसा कमाओ, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, उसमें जकात। तो आप जब पढ़ोगे तो क्या करोगे? नौकरी पाओगे। पढ़ोगे तो क्या करोगे? बिजनेस करोगे। तो क्या कमाओगे? पैसा कमाओगे, उस पैसे को जायज जगह खर्च करोगे, जकात दोगे, बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे। एक वेटरनरी डॉक्टर एक ने पूछा कि अमीर आदमी कौन होता है? जब आपको सारी चीजें सस्ती लगने लगे, कार खरीद लिए कोई सी खरीद लो, घड़ी खरीद लिए, मोबाइल कोई सा खरीद लो, फ्लैट कोई सी फ्लैट से चले जाओ, होटल कोई सा, जब आपको चीजें सस्ती लगनी लगे और हिसाब लगाना छोड़ दो तो समझ लो कामयाब हो गए। ऐसी स्टूडेंट के लिए क्या है कामयाबी? कोई भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल ना लगे, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल ना लगे तो समझ लो आप कामयाब हो गए। तो आज जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको अटैक करना, कितनी बार अटैक करना? जो ब्रूस ली को पूछा, जब ब्रूस ली से ये पूछा गया, क्या पूछा ब्रूस ली से? कि तुम इतने बड़े पहलवान हो, तुम्हें किसी से डर भी लगता है? ब्रूस ली ने कहा हाँ डर लगता है। बोले किससे डर लगता है? बोले मुझे उससे किसी से डर लगता है जो 100 तरीके मुक्के घूंसे मारने की जानता हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे डर लगता है जिसने एक पंच की प्रैक्टिस 100 बार की हो। परफेक्शन आएगा सबर का। और अभी एक नई रिसर्च हुई है, हो गया ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, बच्चों का, इतनी देर तक सुना, आज तक सुन।